नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ जहां रेल मंत्री और प्रधानमंत्री रेलवे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कर रहे हैं, वहीं रेल यात्री जो है वो खुद रेलवे को डुबोने में लगे हुए हैं। ये रेलवे को डुबोने में कैसे लगे हुए हैं वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रेल मंत्री ने गरीब और मजदूर मिडिल क्लास लोगों के लिए 12,500 जनरल कोच बनाने का फैसला लिया है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री ने खुद दावा किया है कि 12,500 जनरल कोच जो कि स्लीपर वंदे भारत में भी और अलग अलग ट्रेनों में लगाए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में। तो पहले सुनिए रेल मंत्री जी क्या कह रहे हैं। रेलवे गरीबों की सवारी है, रेलवे मिडिल क्लास की सवारी है, इसलिए आज 12,500 जनरल कोच का स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चल रहा है। 12,500 जनरल कोच का स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम चल रहा है। वंदे भारत के साथ वंदे भारत की स्लीपर, नमो भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन, इस तरह से करके रेलवे का एक टोटली नया स्वरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में आप सबकी सेवा में लगेगा। तो सुना आपने, रेल मंत्री जो है वो 12,500 जो कोच है जनरल कोच वो बनाने की प्रक्रिया जारी है और अलग अलग ट्रेनों में लगाई जाएगी। लेकिन वहीं रेल यात्री भी कम नहीं है, रेल यात्री भी रेलवे को डुबोने में लगे हुए हैं। रेल यात्री, मैं बात कर रहा हूँ कि समस्तीपुर डिवीजन में पड़ने वाले दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 7 अक्टूबर 2024 को जघन्य तरीके से टिकट चेकिंग चलाई गई, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार चलाई जा चुकी है और कई बार यात्री जो है वो पकड़े जा चुके हैं जिनसे वसूली की गई है। तो 7 अक्टूबर 2024 को जो चेकिंग चलाई गई दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक, तो उसमें 467 यात्री धराए गए बेटिकट, और इनसे 65,500 रुपये वसूली की गई फाइन के तौर पर। तो कहीं ना कहीं रेलवे का जो नुकसान होता है, रेलवे का जो घाटा होता है, उनमें हम यात्रियों का भी, हम लोगों का भी कहीं ना कहीं रोल होता है। क्योंकि जरा सोचिए, चेकिंग चलाई गई तभी तो 467 यात्री धराए गए, अगर चेकिंग नहीं चलाई जाती तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर, अलग अलग रेलवे स्टेशन पर कितने यात्री जाते होंगे ये पता नहीं, लेकिन ये चेकिंग की गई, इसके बाद ये पकड़ाया गया है। तो इस तरीके से रेलवे को डुबोने का साजिश भी है यात्रियों के द्वारा। हालांकि मैं सभी यात्रियों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ यात्री हैं जो कि रेलवे को डुबोने में लगे हुए हैं, और रेलवे लगातार प्रयास कर रहा है कि उनकी जो रेलवे की व्यवस्था है वो ठीक हो, लेकिन लोग ही नहीं होने दे रहे हैं, यात्री ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ये थी कुछ अपडेट जो मैंने आप सभी को बताया। बाकी आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।